हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बोल रहे हैं? जी बताइए। भाई, मेरा नाम अजफर आलम हुआ, भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। क्या नाम है? असलम अस्कर। अजफर आलम, अजफर आलम, अजफर अस्कर फर फर F-A-R, जी। सॉरी। अच्छा, ASFAR। कस्पर। ठीक है। हाँ, तो भाई मैं बोल रहा था, मैंने एक वीडियो देखा जो आपके ग्रुप में आया है, हाँ थोड़ा मेरे भाई जोर से बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही। तो कह रहे हैं कि अल्लाह कहाँ पर है। अल्लाह कहाँ पे है? अच्छा हाँ, अर्श पे मुस्तवी है कि हर जगह? अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी है या हर जगह है? ये सवाल है आपका। जी, अभी अभी मैंने जस्ट वीडियो देखा, अभी आया है आपका जो ग्रुप है ना, दावत इस्लामी, ऐसा कुछ। तो भाई मेरा कोई मेरे भाई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है, मैं सब में ऐड हूँ। आप ही ने तो हमको लिंक दिया था, IDC इस्लामिक दावा। हाँ, मतलब वो मेरा नहीं है, वो मतलब किसी भाई ने बनाया था, तो किसी को अच्छा अगर मेरे अच्छा भाई तो जोड़ना होता है तो उसमें जोड़ देते हैं। हाँ, उसी उसी पे किसी ने एक वीडियो दिया है, मौलाना, क्या नाम है बता रहा हूँ, पर इलियास गुमन का। अच्छा, ये देखिए, ये जो इलियास गुम्मन साहब हैं, ये बेचारे गुम हैं, आप समझ रहे हैं? ये मेरे भाई लेकिन कुरान इस बात हदीस पे हमको इनको हवा मत भी नहीं लगी हुई है। ये बेचारे, इनके पास अकल बहुत ज्यादा है, इल्म बहुत कम है, इसलिए भाई ये इस तरीके की मतलब जो आयतें होती हैं उसमें मेरे भाई तावील करते हैं। यही वही सब तो मैं बात है। वीडियो देख के कंफ्यूज हो गया, इसलिए आपको फोन किया कि आखिर क्या बात है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह हर जगह जी देखिए, ये जो आपने जो सवाल पूछा अल्लाह कहाँ है, और उसके मेरे भाई दो ऑप्शन आपने दिए कि अल्लाह ताला भाई अर्श के ऊपर है या मतलब भाई वो हर जगह है, तो इसमें से जो भाई पहला जो ऑप्शन है अर्श के ऊपर, तो वो मेरे भाई बिल्कुल सही है किताबो सुन्नत से। ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जी। सुबहान व ताला ने कुरान में सूरे ताह सूरा नंबर 20 उसकी आयत नंबर 5, सूरे अल आराफ सूरा नंबर 7 उसकी आयत नंबर 54, और सूरा अल फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 59 में ये अल्लाह सुबहान व ताला ने साफ साफ फरमा दिया है कि रहमान अपने अर्श पर मुस्तवी हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह सुबहान व ताला वो भाई सातों आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह सुबहान व ताला सबसे टॉप पे बुलंदी पे, और उसका इल्म उसकी कुदरत उसकी पावर वो मेरे भाई हर जगह है, हर तरफ है, सबके साथ है, लेकिन खुद अल्लाह सुबहान ताला वो सबसे टॉप पे है। ठीक। और जो ये इलियास गुम्मन वाला जो भाई ये अकीदा है देवबंदियों वाला कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये मेरे भाई जो अकीदा है बातिल है। ये तो मेरे भाई जो काफिर होते हैं उनका क्या अकीदा होता है कि कुरान कण कण में शंकर, ठीक है, हर जगह परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है, उसी तरह उनकी मेरे भाई देखा देखी इन्होंने भी भाई अपना अकीदा बना लिया कि हमारा अल्लाह कोई माज अल्लाह कमजोर थोड़ी ना है। अगर इनका इनका जो मेरे भाई परमात्मा है वो हर जगह है, तो भाई हमारा भी अल्लाह भाई वो हर जगह मौजूद है। तो ये जो हर जगह मौजूद है, आइए उसको मेरे भाई जांचते हैं थोड़ा मेरे भाई किताबो सुन्नत की मेरे भाई बुनियाद पे। ठीक है, अभी चीज को गौर से सर मेरे भाई लेकिन समझिएगा भाई। एक बात सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं, ये पहले सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि अहले हदीस जो दावा कर रहे हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो उसको जो है वो कई तरह से समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक कुरान में ऐसी भी आयत है क्या कि अल्लाह जो है बंदे के बहुत करीब है, ऐसा कुछ है क्या? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं क्या कि मैं मेरे बंदे के बहुत करीब हूँ, ऐसा है आयत? तो हाँ ऐसा वो कह रहे हैं कि, और अहले हदीस दावा करते हैं कि जब अल्लाह ताला हर जगह है तो तुम हाथ ऊपर क्यों करते हो, ऊपर वाले क्यों कहते हो? तो वो कहते हैं ऊपर वाले का मतलब ऊपर नहीं होता, जैसे
किसी कोर्ट का मतलब ऑर्डर आ जाता है, डीसी का ऑर्डर आ जाता है, तो आप कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है। तो ऊपर से ऑर्डर है का मतलब क्या, ये ओरिजिनल ऊपर वाला नहीं, ऊपर का मतलब होता है कि ओहदे में बड़े, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट लगा हमको उसका, इसलिए कंफ्यूज हो जी जी गया। भाई, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए ये जो इलियास गुम्मन साहब है पाकिस्तान के, ठीक है, देवबंदी हैं ये, हनफी देवबंदी, तो ये मेरे भाई, अब क्या मैं आपसे बताऊँ मेरे भाई, एक नंबर का जाहिल इंसान, आप समझ रहे हैं, मतलब जाहिलों में भी मेरे भाई नंबर होते हैं, कोई मेरे भाई 10 नंबर के, कोई 20 नंबर के, कोई 100 नंबर के, ये एक नंबर का जाहिल है, यानी कि सबसे पहला, सबसे अव्वल, जो जाहिलों में भी मेरे भाई सबसे टॉप के जाहिल होते हैं ना, वो इस टाइप का जाहिल है। क्यों? क्योंकि भाई अल्लाह सुबहान व तआला के ताल्लुक से इतनी मेरे भाई घटिया मिसाल देना कि हमारे पास कोई अधिकारी का भाई ऑर्डर आता है तो हम उसको बोलते हैं ऊपर से ऑर्डर है, तो यानी कि उसने अधिकारी मिसाल अल्लाह सुबहान व तआला से दे दी, जबकि अल्लाह सुबहान व तआला मतलब भाई इस चीज से मना करता है कुरान में कि मेरे ताल्लुक से उल्टी सीधी घटिया मिसालों को भाई आप लोग बयान भाई ना करो, और अल्लाह सुबहान व तआला के जैसा तो कोई नहीं, ठीक है भाई, ये तो मेरे भाई आयत है ना कुरान की, तो इसीलिए कहते हैं अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, मतलब ये कुल्लहु कुफ्फन अहद, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी, ना कोई मेरे भाई प्रधानमंत्री, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई आवाज कट कट के आ रहा है। जी जी अब साफ आ रही है आवाज? जी आवाज साफ आ रही है अब? हाँ 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 जी जी हाँ। तो भाई देखिए अल्लाह सुबहान व तआला ऊपर है, इसकी जो मेरे भाई दलील है ना, ये किसी हम अधिकारी से हम नहीं लेंगे कि मेरे भाई किसी अधिकारी का मेरे भाई बुलावा आ गया या नोटिस आ गया तो हम आम बोलचाल में कहते हैं कि हाँ भाई ऊपर से ऑर्डर आया है। तो ऊपर से ऑर्डर आने का मतलब क्या है कि वो उनके ऊपर नहीं है, ये उन्होंने मेरे भाई कयास किया और अल्लाह सुबहान व तआला के ताल्लुक से इतनी मेरे भाई घटिया मिसाल दी, जबकि अल्लाह सुबहान व तआला जो कुरान में भाई जो साफ साफ कह रहा है, अगर कोई इंसान अल्लाह सुबहान व तआला को ऊपर मानने से इनकार करता है तो वो कमो बेश कुरान मजीद की 1000 आयतों का इनकार करता है। जब अल्लाह सुबहान व तआला ने कितनी आयतों में कह दिया कि जो रहमान है अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी हुआ, कायम हुआ, तो अब हमारा ये भाई ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह सुबहान व तआला वो सातों आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अपनी शान के लायक भाई वो कायम है। अब वो लेटा है, बैठा है, खड़ा है, जो कैफियत है वो हमको नहीं पता है, बस अल्लाह ने मेरे भाई जितना बता दिया उतना पता है। और अल्लाह सुबहान व तआला सूरे आले इमरान सूरा नंबर 3 और आयत उसकी है मेरे भाई गालिबन 55, उसमें अल्लाह सुबहान व तआला ईसा अलैहि सलाम से कहता है कि अल्लाह सुबहान व तआला ईसा अलैहि सलाम से भाई कहते हैं कि और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, उठाने वाला हूँ, बुलाने वाला नहीं हूँ। अगर अल्लाह ताला हर जगह मौजूद होता, अगर दाएं भी है बाएं भी है, तो मेरे भाई वो ईसा अलैहि सलाम को बुला देता, ठीक, लेकिन ऊपर और सुन लीजिए, ऊपर मतलब आसमान तो ऊपर नहीं है ना, आसमान तो नीचे भी तो है, अगर हम आसमान नीचे, भाई ये किस जाहिल ने बता दिया? जी मैं एक टीचर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, IIT लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए जी, तो मुझे ऐसे इस्लामिक नॉलेज इतना है नहीं, अहले हदीस हूँ, बस सवाल पूछ लें, थोड़ा बहुत जानकारी है, ठीक है। तो मेरी जो है तालीम मदरसे में नहीं हुई है, बस मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। नहीं मैं तो भी स्कूली में पढ़ा हूँ भाई, मेरी भी कोई मतलब हाँ तो तालीम हुई है, मतलब आसमान की बात करें, ये जो जमीन जो है ना, जमीन तो अपने जो है गर्दिश कर रही है, ये घूम रही है, ठीक है। अभी हम ऊपर है तो कल सवेरे नीचे हो जाएंगे, तो नीचे भी तो हमको आसमान दिखेगा ना, लेकिन हमेशा हम जब आप आँख ऊपर करते हैं तो आसमान ऊपर दिखाई देता है। नहीं देखिए, आपने अगर मेरे भाई पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा जो आसमान जो होता है, ठीक है, स्काई स्काई मेरे भाई मतलब जो ऊपर तो दिखेगा, अभी तो जैसे अभी जो देख रहे हैं कि ऊपर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन नहीं, मैंने तो क्या कहा, आसमान तो आसमान के ऊपर अल्लाह सुबहान व तआला का अर्श, आज यहाँ पे हम लोग हैं भाई, ये जमीन है,
आज की तारीख में कोई भी साइंस या कोई भी आम आसमान के इंसान नीचे मतलब क्यों नहीं ये जा नहीं कह रहा है कि सकते? हम लोग भाई आसमान के ऊपर रहते हैं, आसमान के ऊपर खाते पीते हैं, ये आसमान नहीं जमीन है। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने अर्श और फर्श इन दोनों चीजों को बनाया, तो हम लोग जहाँ पे भाई वो फर्श है ठीक, और जो अर्श है अर्श के ऊपर भी अल्लाह सुबहान व तआला है सबसे टॉप पे। और ये जो इलियास गुम्मन साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, तो ये सवाल ये अल्लाह के नबी ने पूछा था, ये अल्लाह के नबी ने पूछा था ऐन अल्लाह, यानी कि अल्लाह कहाँ है। एक मतलब बांदी होती है, लौंडी होती है ठीक है, मतलब ये काफी मतलब भाई एक मतलब वो बड़ी सी हदीस है ठीक है, लेकिन इसका जो मेन पार्ट है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये हदीस आती है जो मेरे भाई अहले सुन्नत की जो टॉप की मतलब जो भाई किताबें हैं ना उसमें से आती है ठीक है। और इसका मेरे भाई जो रेफरेंस है वो ये है सही अल मुस्लिम किताबु तौहीद, उसका हदीस नंबर गालबन आता है 537 ठीक। उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस बांदी से पूछा कि ऐन अल्लाह अल्लाह कहाँ है, तो उस बांदी ने कहा कि अल्लाह आसमान पर है। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं कौन हूँ, तो उस बांदी ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि इसे आजाद कर दो, ये मोमिन औरत है। तो अगर अल्लाह ताला हर जगह होता तो अल्लाह के नबी फौरन उस मेरे भाई बांदी को समझाते, इसलाह करते कि ए मतलब ये तुम क्या कह रही हो, अल्लाह आसमान पे थोड़ी ना है, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। लेकिन नहीं, जैसे उसने कहा कि अल्लाह सुबहान ताला आसमान पे, यानी कि भाई फिस समा यानी कि आसमान पर, यानी कि सबसे ऊंचाई सबसे बुलंदी सबसे टॉप पर अल्लाह सुबहान ताला, आस तो आस आसमान पर है, यानी ऊपर नहीं कह सकते, यानी आसमान पर है अपने आसमान मेरे भाई ऊपरी क्या होता बोलते है, आसमान को कोई ये नहीं कहता कि नीचे। आज तक मेरे भाई आपने भाई वो हैं? नीचे जमीन में देख के कहा है कि मैं आसमान देख रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप जो है सोच के देखिए ना, जब जमीन घूम रहे हैं, सवेरे हम यहाँ जिस वो पोजीशन अलग में अभी चीज है, हैं, वो अर्थ है ठीक है। ये मतलब और तो नीचे जहाँ हम लोग नीचे रहते नहीं हैं भाई है वो क्या है जमीन, भाई, वो एक प्लेनेट है। वही तो कह रहे हैं, जमीन जो है ना तो ये स्पेस में है, तो जमीन तो उस पार भी तो आसमान आपको दिखेगा, है ना? जी नीचे जी भी वो तो बात आसमान है। अलग है। जैसे हम देखिए देखिए अगर हम अमेरिका की बात करें कि अमेरिका कहाँ है, तो आप सीधा तो नहीं बोलिए ना, बोलिए कि जमीन के उस पार है, लगभग नीचे साइड में है। रात और दिन का फर्क होता है ठीक है, और ये मेरे भाई वो अलग चीज हो जैसे रही है जैसे जैसे यहाँ। जैसे अभी सूरज हमको नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हुआ, सूरज की गायब हो गया ना? सूरज तो है, लेकिन हम फिर जो है सवेरे घूम के उस पार जाएंगे नीचे तरफ, देखिए मेरे तब प्यारे सूरज फिर भाई, दिखने लगेगा हमको। अल्लाह ताला हर जगह है, ये इलियास गुम्मन साहब ने कहा है। वो तो सही सुन है। लीजिए पहले मेरे प्यारे भाई, अगर अल्लाह ताला को हम हर जगह मान लेंगे ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मतलब जो ये अकीदा है ना इसकी मेरे भाई की वजह से जो तौहीद है ना तौहीद पे आ जा चुकी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह है तो लोग मतलब भाई फिर क्वेश्चन करते हैं, और उनका जो मेरे भाई क्वेश्चन होता है भले ही भाई वो सुनने में अच्छा ना मतलब भाई वो अच्छा ना लगे, लेकिन भाई वो लॉजिकल होता है। अब अगर कोई कह रहा है कि अल्लाह ताला हर जगह है, तो अगर कोई इंसान पूछ ले क्या भाई जो मेरी जेब है क्या मेरी जेब में भी अल्लाह है, माज अल्लाह, क्या जो मेरे भाई तुम्हारी मतलब जो अलमारी है क्या उसमें भी अल्लाह है, क्या जो भाई ये टॉयलेट है लैट्रिन है बाथरूम में क्या उसमें भी अल्लाह है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। तो इस तरीके से अल्लाह ताला हर जगह, तो वो कहाँ कहाँ बताएंगे कि नहीं यहाँ यहाँ पे नहीं है और वहाँ वहाँ पे है। तो ये भाई ये अकीदा ही बातिल है। इस तरीके से एक देवबंदी आलिम ने बीच पब्लिक ने मतलब भाई बीच पब्लिक में उनसे मेरे भाई सवाल हुआ कि जो ये मूर्ति है क्या मूर्ति में भी अल्लाह है, तो उन आलिम दीन ने मतलब भाई बकायदा बूढ़े थे बुजुर्ग थे सफेद दाढ़ी थी, उन्होंने बीच पब्लिक में चिल्ला के माइक पे कहा कि हाँ मूर्ति में भी अल्लाह है, यानी कि इस तरीके से अल्लाह ताला हर जगह है कि मूर्ति में भी अल्लाह है। तो इसका मतलब जो मेरे भाई बाकी लोग जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं यानी कि वो अल्लाह की आवाज पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग काहे के लिए कहते हैं कि भाई ये शिर्क है। कट आवाज कट कट के आ रहा है। जी जी आवाज साफ आई अब। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ तो जो भाई ये जो मेरे भाई अकीदा है ना अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो एक देवबंदी आलिम ने बीच पब्लिक में उनसे पूछा गया क्या जो मूर्ति है मूर्ति में भी अल्लाह है,
तो उन्होंने कहा कि हाँ मूर्ति में भी अल्लाह है, माजल्ला सुबह माजल्ला। तो इस तरीके से ये जो मेरे भाई अकायद होते हैं ना, ये बातिल अकायद होते हैं, और हमारा जो भाई ईमान है, हम दीन को मेरे भाई उस तरह समझते हैं जैसे हमारे अल्लाह के नबी ने बताया। हम मेरे भाई बुखारी मुस्लिम के हदीस से, जो मेरे भाई कुरान के बाद जो सबसे मेरे भाई मोतबर जो मेरे भाई किताब है, उनमें मेरे भाई अल्लाह के नबी की हदीस आती है कि अल्लाह सुबहान व तआला हर रात, अब सुनिएगा गौर से, अल्लाह सुबहान व तआला हर, मतलब भाई वो रात को आसमानी दुनिया पर आता है, ठीक, नुजूल करता है, यानी कि ऊपर से वो नीचे आता है अल्लाह सुबहान व तआला आसमानी दुनिया पे, यानी कि मतलब जो ये दुनिया है, दुनिया का जो आसमान है वहां पे अल्लाह ताला आता है। ऐसे तो अल्लाह सुबहान व तआला सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श के ऊपर है, लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला भाई वो हर रात को आसमानी दुनिया पे आता है, रात के तीसरे पहर में, और एक आवाज होती है, आवाज को मतलब भाई एक आवाज होती है, उसको लगाया जाता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं देने आया हूँ, है कोई मुझसे मगफरत मांगने वाला, मैं माफ करने आया हूँ। तो इससे क्या साबित हुआ कि अल्लाह सुबहान व तआला अगर हर जगह है, तो अल्लाह के नबी को कहना चाहिए था कि अल्लाह सुबहान व तआला वो हर जगह मौजूद है, वो हर रात को ऊपर चला जाता है, आसमान के ऊपर आ जाता है और आवाज लगाई जाती है। लेकिन नहीं, अल्लाह सुबहान व तआला हर रात आसमानी दुनिया पर आता है, नुजूल फरमाता है। तो अरेबिक में जो होता है ना भाई, वो नुजूल, उसका माना मेरे भाई भाई वो नीचे से ऊपर नहीं होता है, ऊपर से नीचे होता है। तो कितनी कुरान की वाइस, हाँ, अब जो मेरे भाई इलियास गुम्मद साहब जो उन्होंने आयतें पेश की, उसका क्या माना है? तो हमारा ईमान भाई ऐसा नहीं है कि हम बाज आयतों पे ईमान लाते हैं और बाज आयतों को छोड़ देते हैं, माशाल्लाह, ऐसा हमारा ईमान तो है नहीं। हमारा ईमान ये है कि तमाम कुरान की जो आयतें हैं उनको जमा करने के बाद जो मेरे भाई अकायद बनता है, हम उस पे अपना कीदा बनाते हैं। इलियास गुम्मन साहब और जो बाकी मतलब जो हनफी लोग हैं, देवबंदी लोग, वो आयत पेश करते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला तो कुरान में कहता है कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कहो कि मैं करीब हूँ, और उसकी मिसाल ऐसी है कि शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह ताला तो हमारे करीब है। तो ये अब ये लोग क्या कहते हैं, इन सब आयतों की मेरे भाई बुनियाद पे कहते हैं। जैसे मेरे भाई एक और आयत है कि मेरे भाई अगर तुम एक हो तो दूसरा अल्लाह है, तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है। तो इन सब आयतों से इन्होंने मेरे भाई ये बातिल अकीदा बना लिया है कि देखो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, सबके साथ मौजूद है, सबकी शहरक के करीब है। तो देखिए, जहाँ कहीं भी इस टाइप की आयतें आएंगी, फौरन अगली आयत में मेरे भाई ये साबित हो जाएगा कि इस आयत से जो मेरे भाई माना है, मुराद है, वो इल्म है। जैसे अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो तुम कहना कि मैं करीब हूँ, फौरन अगली आयत कहती है कि मैं पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूँ। तो ये सुनना क्या है, ये मेरे भाई क्या है, पावर है, सिफात है। तो यही तो हमारा अकीदा है कि अल्लाह सुबहान व तआला खुद सबसे टॉप पे है, बुलंदी पे है, लेकिन उसका इल्म, उसकी पावर, उसकी कुदरत, उसकी सिफात, वो हर जगह मौजूद है। अब देखिए, अब जैसे भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, आप कहाँ पे रहते हो, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरे भाई काफी दूरी है, लेकिन मैं आपको सुन रहा हूँ ना। अब सुनने का मतलब भाई ये थोड़ी ना है कि मैं आपके पास मतलब भाई मैं हूँ, मौजूद हूँ, नहीं, मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे पास सुनने की ताकत है, और मेरे पास जो मेरे भाई जरिया है वो मेरे भाई फोन है। लेकिन अल्लाह सुबहान व तआला को किसी की मेरे भाई सुनने के लिए जमीन पे आना, उसकी शहरक के करीब आके बैठ जाना, इस तरीके से अमल करने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तो मेरे भाई सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श के ऊपर कायम है, वो वहीं पे सब सुन लेता है। अल्लाह ताला तो आलमुल गैब है, सब जानने वाला है। आपके दिल में क्या ख्याल मेरे भाई गुजर रहा है, उसको अल्लाह सुबहान व तआला जानता है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला जब तक हमारी शहरक के मेरे भाई करीब आएगा नहीं, तब तक मतलब भाई वो सुन नहीं पाएगा। नहीं, इसका माना ये है कि मैं शहरक से ज्यादा करीब हूँ। इसका माना क्या है, इसका माना मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे भाई आप हैं, ठीक,
आप मेरे भाई अमेरिका गए और मैं इंडिया में हूँ, अब वहां पे भाई आपके साथ मतलब कोई भाई कांड हो गया, तो मैं आपसे मेरे भाई कह रहा हूँ कि भाई परेशान ना होइए, ठीक है इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो मेरे भाई पावर है सोर्स है वो आपके साथ है, अमेरिका में भी आप हो तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा सोर्स है पहचान है, मैं आपका काम करवा दूंगा, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आ पाएगी। तो इसका मानना ये है कि मैं आपके साथ हूँ, इसका मानना ये नहीं है कि मैं फिजिकली आपके साथ वहाँ इंडिया से छोड़ के अमेरिका पहुंच गया। वही मिसाल अल्लाह ताला कह रहा है कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में उनसे पूछे तो कह दो मैं करीब हूँ, उनकी शहरक से ज्यादा करीब हूँ। तो इसका माना ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ है, यानी कि अल्लाह का इल्म साथ है, यानी कि बंदा कहीं पे भी परेशान होगा तो अल्लाह सुबहानो ताला है, अल्लाह ताला भाई अर्श के ऊपर बैठ के सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके इल्म में है। और जो आयत पेश करते हैं कि अल्लाह सुबहानो ताला मतलब ये कहता है कुरान में कि अगर तुम एक हो तो दूसरा अल्लाह है, तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है, इस टाइप से आयत है, ठीक है। तो उसका जो माना ये है, उसका माना ये नहीं है कि वहाँ पे खुद अल्लाह मौजूद है। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे हम अल्लाह सुबहानो ताला की जात को ले लेंगे ना, तो ये जो कुरान का जो मेरे भाई रूल है ना कि कुल हु अल्लाह अहद, कहो कि अल्लाह एक है, फिर अल्लाह ताला एक मतलब भाई वो बचेगा नहीं है, फिर वो अनेकों हो जाएंगे। क्यों भाई? हमारे साथ भी अल्लाह है, आपके साथ भी अल्लाह है, आपके बाप के साथ भी अल्लाह है, हमारे बाप के साथ भी अल्लाह है, आपके अम्मी के साथ भी अल्लाह है, हमारी अम्मी के साथ भी अल्लाह है, आपकी बीवी के साथ भी अल्लाह है, हमारी बीवी के साथ भी अल्लाह है। तो माज अल्लाह कितने अल्लाह हो जाएंगे, यानी कि मतलब जितने इंसान जितनी शहरत, ठीक है मतलब सबके करीब सबके साथ अल्लाह है, तो माज अल्लाह कितने अल्लाह हो जाएंगे। तो ये अकीदा ही बातिल है। इसका माना ये है कि अगर तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है। इसका माना ये है कि तुम तन्हाई में कभी मेरे भाई गुनाह ना करना। अगर तुम सोच रहे हो कि खाली हम दोनों हैं, लाओ चोरी छुपे मेरे भाई जिना कर लें, तो ये नहीं। अगर तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह को सब पता है तुम क्या कर रहे हो। तो ये इसका माना मफहूम है। यहाँ पे किसी भी मेरे भाई सहाबा इकराम का कीदा ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का यह कीदा नहीं था कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अब बताइए, तो मेरे भाई जो किताब व सुन्नत से मेरे भाई जो अकायद हमको मिलता है वो सिंपल सादा हमको मिलता है, जिसके ऊपर इजमा है तमाम मेरे भाई सहाबा इकराम का कि अल्लाह सुबहानो ताला सबसे टॉप पे है, सबसे ऊंचाई पे है, सबसे मेरे भाई बुलंदी पे है, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर, उसकी रहमत, उसकी बरकत, वो हर तरफ है, हर जगह है, सबके साथ है, अल्लाह सुबहानो ताला हर चीज पे कादिर है, ठीक। तो ये हमारा ईमान अकीदा है। लेकिन अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो हर जगह में भी मेरे भाई हर जगह के ताल्लुक से मेरे भाई सवाल पैदा होगा, क्योंकि मेरे भाई जो जहन्नम है, ठीक है, जहन्नम ये मतलब भाई ये क्या है, जगह है। अब अगर मेरे भाई कोई इंसान पूछे कि भैया ठीक है आपका अल्लाह ताला मतलब भाई हर जगह है, तो क्या मतलब जो जहन्नम है क्या जहन्नम में भी अल्लाह ताला है? माजल्ला सुम्मा माजल्ला। तो ये अकीदा ही बातिल है, बेबुनियाद है। तो ऐसे अकीदे क्यों बनाना कि बाद में हमारे ऊपर भारी पड़ जाए, ठीक है मतलब भाई वो जिनका सबूत ना कुरान में ना हदीस में। अब ये कौन सी मिसाल होती है कि अल्लाह ताला ऊपर है, ऊपर हाथ उठा के दुआ करते हैं, इसका माना ऊपर नहीं है। उसका माना ये जैसे जो अधिकारी होते हैं वो कोई ऑर्डर भेज देते हैं तो हम कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया, तो ये कयास है फर्जी का, शैतानी कयास है। अगर अल्लाह ताला हर जगह होता, चलिए सारी बातें हटाइए, अभी जो मैंने हदीस आपको अभी जो मैंने आपको बताई थी अल्लाह के नबी की, जिन्होंने अल्लाह के नबी ने एक बांदी से मतलब जब पूछा था कि बताओ अल्लाह कहाँ है, तो उसने कहा अल्लाह ताला आसमान पर है। तो अब फौरन अल्लाह के नबी को उसको टोकना चाहिए था कि नहीं, कि नहीं बांदी तुम जो ये कह रही हो गलत कह रही हो, देखो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह के नबी को टोकना चाहिए था कि नहीं? क्या माज अल्लाह हमारा ईमान अकीदा ऐसा है कि मेरे नबी अल्लाह सुबहानो ताला की जात के शान के ताल्लुक से बात हो रही है, और क्या अल्लाह के नबी मेरे भाई का मुशिक तैयार कर लेंगे, कह देंगे हाँ ठीक है चलो आसमान पर भी है, जमीन पे भी है, तुम्हारे साथ भी है, मेरे साथ भी है, हर जगह है, ऊपर भी है, नीचे भी है, अर्श पे भी है, फर्श पे भी है,
उम्मत को मेरे भाई बताना चाहिए था ना। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा का कीदा क्या था वो भी आपको भाई बता देते हैं। अल्लाह के नबी का भाई जब इंतकाल हो जाता है तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपना जो आपा होता है उसको खो देते हैं। वो कहते हैं कि जो ये कहेगा कि अल्लाह के नबी मतलब भाई वो मर गए तो मैं उसको मार दूंगा, गर्दन उसकी उड़ा दूंगा। तो फिर अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भाई वो एक खुतबा देते हैं और खुतबे में कुरान की आयतें पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे वो लोग ये जान लें कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह अपने अर्श पर है, अल्लाह अपने अर्श पे। ये भी हदीस में अल्फाज आते हैं अरेबिक में, ठीक है। तो सहाबा का भी अकीदा था कि अल्लाह सुबहान तआला ऊपर है, अपने अर्श पर है। तो ये सब मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा ना। अब बिना पढ़े लिखे ये लोग आ जाते हैं, क्या करते हैं, अच्छा इनके देवबंद जो अकाबिर हैं उनका कीदा मेरे भाई ये है, क्या है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरे भाई अरेबिक में गालिबन ये क्या बोलते हैं वो वहदतुल वजूद, यानी कि अल्लाह ताला हर जगह हर शय में जर्रे जर्रे में मौजूद है। तो ये अकायद मेरे भाई बहुत ही मेरे भाई गुमराही वाला है, बातिल है। और ये लोग इस अकायद को साबित करने के लिए कुरान को आउट ऑफ मतलब भाई जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें पेश करते हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसी आयतें रखी हुई हैं, ऐसे अल्लाह के नबी की हदीसें रखी हुई हैं जिसे साफ तौर से मेरे भाई साबित होता है कि अल्लाह सुभान व तआला वो अपने अर्श के ऊपर है और उसका इल्म उसकी कुदरत वो मेरे भाई सबके साथ वो हर जगह मौजूद है। और ये बताइए, चलिए ठीक है, इलियास गुम्मन साहब जी कह रहे थे कि मतलब भाई अल्लाह ताला मतलब हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह के नबी का अकीदा क्या था, चलिए ये हम जान लेते हैं। अल्लाह के नबी ने भाई वो जो यौम अरफा होता है, यौम अरफा के दिन भाई, हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है साफ जी। चलिए ठीक है, मैं ये आखिरी हदीस भाई मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हदीस से तो मतलब भाई हमारे पास काफी सारी है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन मेरा मेरा और सवाल है, और सवाल है भाई। अच्छा अच्छा और सवाल है, चलिए ठीक है, एक खाली हदीस आपको भाई हम बता देते हैं। ये जो हदीस है भाई ये आती है सही अल मुस्लिम में, ठीक है, किताबुल हज, उसका हदीस नंबर 1217। उसमें अल्लाह के नबी ने ठीक है यौम अरफा में मेरे भाई खुतबे में मतलब फरमाया कि जो मैंने क्या मैंने तुम तक मतलब जो दीन की बातें थी, अहकाम थे, क्या वो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। तो सहाबा इकराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल आपने पहुंचा दिया। तो अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठा के 3 बार कहा, अल्लाहुमा अशद, अल्लाहुमा अशद, अल्लाहुमा अशद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। तो मेरा सवाल ये है कि जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उंगली उठा के अल्लाह से मेरे भाई खिताब क्यों किया। भाई दाएं भी उठा सकते थे, बाएं भी उठा सकते थे, सामने भी उठा सकते थे, तो मेरे भाई क्यों, क्योंकि अल्लाह के नबी का मेरे भाई जो अकीदा था वो ये था कि अल्लाह सुबहान व तआला सबसे ऊंचाई पे बुलंदी पे है, इसलिए मेरे भाई शहादत की उंगली को अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ उठा के कहा कि ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। और कितनी मेरे भाई हदीसें हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करोगे तो जो वो आसमान पर है वो तुम पर रहम करेगा। ये नहीं कहा कि तुम अगर मेरे भाई वो जमीन वालों पर रहम करोगे तो जो मतलब जो हर जगह है वो तुम्हारी मदद करेगा, नहीं, तुम जमीन वालों की मदद करोगे तो वो आसमान वाला तुम पे तुम्हारी मतलब भाई वो मदद करेगा, रहम करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी मेरे भाई बातें, इसलिए ये अकायद बिल्कुल बातिल है कि अल्लाह ताला भाई वो हर जगह मौजूद है।